वापसी हुई दिव्या की। देखो मेरे सास के मुंह की चमक, चमक लौट आई है। यहाँ देखो, एक मम्मी समधी कम और भाई कह रही है ज्यादा है मेरे। पता है चाचा क्यों? रक्षाबंधन आने वाला है। बहुत तेज है मम्मी। तो ये देखिए, मम्मी का बनाया हुआ मटर पनीर, दोनों समधी नहीं खा रहे भाई। वाह, जैसा आप सभी को पता है चाची का भी बर्थडे था थोड़े टाइम पहले, तो मम्मी लाई है चाची के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल में। और आज तनु और मैं कर रहे हैं इस व्लॉग की शुरुआत, और आज कुछ खास है इस व्लॉग में। तनु क्या खास है बता जरा। आज खास ये है कि आज आ रही है हमारे घर पे दिव्या दीदी वापस। और राहुल भैया की खुशियां होने वाली है खत्म। तो इस घर की एक बहू तो वापस आने वाली है, और एक बहू थोड़े दिनों में आपको दिखेगी। शायद हो सकता है कि दिव्या के साथ मम्मी पापा भी आए, और कुणाल भी आए, और चाचा चाची, मतलब जो भी आएगा हम बता देंगे आपको, शाम को देखने को मिल जाएगा आपको। तो हम लोग कर रहे हैं तैयारी उनके आने की। एक महीना बहुत मजे कर लिए उसने वहाँ, अब वापस आ जा भाई। बर्तन रखे हुए हमने तेरे लिए, सिंक पूरा भरा हुआ है, जल्दी आ। शाम को रोटियां भी उन्होंने बना ली। शाम को आके रोटियां भी बना ली भाई, जल्दी आ जा। आइए जानते हैं मम्मी से। मम्मी, आज आपकी बहू आ रही है वापस लौट के, कैसा लग रहा है आपको? तो अच्छा लगता, खराब लगता है, बहू आने से तो घर चहकता है। अच्छा, तो मम्मी खुश है। भाभी, एक महीने बाद देखने को मिलेगा दिव्या को, आपको कैसा लग रहा है? अब दीदी को आराम मिल जाएगा खाना बनाने। मम्मी को भी दीदी की बड़ी है। तो आपको बहू आने से खुशी नहीं है, दीदी के आराम से खुशी है। देख रही है तेरी मम्मी, और तुझे अपनी दीदी के लिए। वो करते हैं हम लोग तैयारी जल्दी से दिव्या के आने की, और वो भी वहाँ से शूट करेगी, वो भी दिखाएगी कि आज लास्ट डे उसका कैसा बीत रहा है उसके मायके में। आज है 17 अगस्त, और आज है घी संक्रांति का पर्व भी। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये उत्तराखंड का लोक पर्व है। आज के दिन घी जरूर खाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि घी जरूर खाना चाहिए आज के दिन। तो आज मैं वापस अपने ससुराल भी जा रही हूँ, क्योंकि अधिक मास का महीना हो चुका है खत्म, और अभी चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो मम्मी से जानते हैं कि मम्मी ने आज मेरे लिए नाश्ते में क्या बनाया। मम्मी, पनीर का पराठा। तो गाइज, अभी आया हूँ जस्ट घर पे, और बहुत सारा सामान लेके आना था बाहर से, वो भी लेके आ गया, नीचे मम्मी को दे दिया। दिव्या को छोड़ने उसके घर वाले आएंगे, तो हमने सोचा उनका खाना भी यहीं करवा दें आज। वहाँ दिव्या के आने की भी तैयारियाँ चल रही होगी। तो मिलते हैं आपसे अब शाम को, जब आ जाएंगे मेरे ससुराल वाले घर पर। तो गाइज, हो चुकी है सारी तैयारियां, मम्मी ने बना दिया है मटर पनीर, और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट के बाद हम बताएंगे कि एक्चुअल में कैसा बनाए। और भी तैयारियां कर रही है, बाकी हम कुछ बाहर से ले आए हैं, आपको बाद में बताएंगे। देख सकते हैं मम्मी कितनी खुश है, हमारे लिए एक महीने में इतनी खुशी से कभी नहीं बनाया खाना। तो गाइज, अभी अभी सुषमा चाची का फोन आया, और वो आने वाली है सबसे पहले यहाँ घर पर, तो उनको पिक करते हैं पहले घर के बाहर से ही, और फिर चाचा जाएंगे और बाकी सबको लेके आएंगे। ये हेलो चाची। Hi. तो चाची को हमने ले लिया है सबसे पहले, और बहुत जल्दी। हाँ, बीबी से ज्यादा साली को जीजू से मिलने की हो रही है। चाची का बर्थडे भी तो था। अरे आपका था। मैं भी बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे। और ये देखिए, कल देखा चाची ने कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, तो चाची बहुत कुछ लेके आई है, फ्रूट्स लाई हैं। नानी ने पकौड़े और चटनी बना के भेजी है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आज घी संक्रांत है, तो चाची खास घर से घी बना के लाई है हमें देने के लिए। ये देखिए मम्मी, देखा हो जरा, ये देखो मेरी बहन ने घर से घर पर बनाया अपने हाथों से। दादाजी के पास, और दादाजी से मिलते हैं, और फिर चलते हैं। दादाजी, चल दादाजी मुझे पैसे दे रहे हैं जाने के। तो यहाँ अब हो गई है तैयारी, सब आ गई है, और हम लोग जा रहे हैं, तो चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ चाचा आ चुके हैं गाड़ी लेके, और बस हम सामान रख रहे हैं गाड़ी में, और चाची को चाचा ऑलरेडी छोड़ के आ गए, क्योंकि मेरे ससुराल बस में ही पड़ते हैं। और यहाँ पर आ गई है दिव्या रानी। पति के पैर नहीं, कुछ नहीं है, पति तो मिलता रहता है। एक महीने बाद दिव्या की शक्ल ऐसी हो रखी है। शक्ल तो कल से बदलेगी मेरी। एक महीने तक ठीक थी। नमस्ते पापा। और पापा भी आ गए यहाँ पर, आते ही सबसे पहले मंदिर के दर्शन,
दिव्या करती हुई, और यहाँ माँ भी आ गई है। नमस्ते माँ, कैसे हो माँ? बढ़िया माँ। ये देखिए माँ आ गई, चाची आ गई, तन्नू आ गई। नमस्ते चाची। नमस्ते। सब एक दूसरे से मिलते हुए वापसी हुई दिव्या की। देखो मेरे सास के मुंह की चमक, चमक लौट आई है। और ये देखिए सास आज पसीना पसीना और रखी टल रही है अपनी बहू के लिए। नमस्ते। और चाची चाची बैठो ना, चाची बैठो। ये देखो भाई चाची आई है नहीं, पहले कर्ची पकड़ ली। ये वाला काट दूंगा, इसका नहीं दिखाऊंगा, बोलूंगा कि इसने नहीं। तो कैसा लग रहा है दिव्या? और शेफ देखो, शेफ चेंज हो गया अभी तक, मम्मी थी अब अनुज लग गया है। ये हेल्पर है लगा हुआ है, शेफ अभी कुछ का और काम कर रहे हैं। यहाँ देखो एक मम्मी समझी कम और भाई कह रही है ज्यादा है मेरे। अब पता है चाचा क्यों? रक्षाबंधन आने वाला है। बहुत तेज है मम्मी आज, सबको भाई भाई कह रही है, रक्षाबंधन आने वाला है ना। बहुत कई गलत फहमी में रहो, इनकी राखी नहीं है। तो यहाँ पर हो चुके हैं फ्राइज और पोटैटो बाइट्स तैयार, और थोड़े से और हैं वो अनुज कर रहे हैं यहाँ। और ये जो पकोड़े हैं जो हमने दिखाए थे, ये देखिए दाल के पकोड़े बनाए हैं नानी ने स्पेशली आज दिव्या के घर वापस आने पर। और यहाँ पर सभी लोग बैठ चुके हैं अंदर और कर रहे हैं पार्टी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर सर्विंग स्टार्ट हो चुकी है। खाने में आज है वही जो परसों था, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, और आज स्पेशल मम्मी ने बनाया है मटर पनीर, जो मैंने बताया था आपको, वो टेस्ट करके बताएंगे सब कि कैसा बनाए। तो आते ही बागडोर संभाल लिया दिव्या ने। दिव्या कैसा लग रहा है? वैसे तो ये काम मेरे घर पे भी करती थी सर्विंग का, लेकिन ससुराल में करने में अच्छा लगता होगा इसे। और तो ये देखिए मम्मी का बनाया हुआ मटर पनीर, दोनों समधी नहीं खा रहे भाई। वाह मम्मी इतने प्यार से बना रहे थे, एक समधी ने नहीं खाया। समधी ने अच्छी मिली है मम्मी को मतलब। और सभी लोग यहाँ खा रहे हैं अब खाना। देखो ये गाइस, ये तन्नू जो है ये परात लेके आई है भाई, यहाँ खाना है दो दो रोटी का। ये तू क्या बर्गर भरने के लिए लेके आ गई है? परात भर के खाना खाएगी तो? और बहन को कभी मुनार नहीं करते। इसको पानी पिला एक परात भर के, इसमें चारा डाल। तो यहाँ माँ कुछ लेके आई है पापा के लिए गिफ्ट। और ये देखिए ये है क्या है माँ? शर्ट, कुर्ता पजामा। ये देखिए तो एक महीने बाद आई है दिव्या, तो माँ पापा के लिए कुर्ता पजामा, और मम्मी ऐसी रह गई। मम्मी नहीं रही ऐसी, मम्मी नहीं रही ऐसी, मम्मी के लिए भी लाई है माँ। और ये लाई है मम्मी सूट, देख सकते हैं काफी अच्छा सूट ये, तेरा बच्ची का। वाह। और अनुज खुश, ये देखो भाभी और अनुज का भी मिल गया है। श्लोक के चेहरे में खुशी, श्लोक का भी है। और मेरा और दिव्या के लिए भेजा है, ये मम्मी ने ही ले लिया। ले लो दीदी, श्लोक का। और ये है श्लोक के लिए क्या टी शर्ट? तो श्लोक को दो ना। श्लोक, श्लोक भी आया हुआ है माँ, श्लोक को भी दे दो। श्लोक अंदर आइए, लो एक्टिंग मत करो चम्मच ढूंढने की, आओ। ये देखिए श्लोक के लिए कुछ है। श्लोक, अरे यार तो इसकी जरूरत तो बहुत थी। इसी की जरूरत ही है। इस समय जो सबसे बड़ी दुश्मन है दिव्या की, तन्नू का मुंह देख। तन्नू पागल है क्या? हम दिलवाएंगे रक्षाबंधन पे। नहीं मिला, बोल मेरे को नहीं चाहिए कोई टी शर्ट आपकी, नहीं मिला। अरे नहीं छोड़ो, तू इसकी टी शर्ट पहन लियो, ठीक है? तो यहाँ पर अब सब खाना खाने के बाद खा रहे हैं आइसक्रीम। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, हम सब की यहाँ पार्टी चल रही है, और पापा की चल रही है तैयारी, क्योंकि पापा अभी निकल रहे हैं ऋषिकेश। सुबह पापा ने पहुँचना है नई टिहरी, और नई टिहरी जा रहे हैं, तो अभी पूजा दीदी का बर्थडे था, तो उसका गिफ्ट भी भिजवाया है, तन्नू ने भी भिजवाया है, और दिव्या भी दे रही है अभी।
तो पापा तो जा रहे हैं यहाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है मेहमानों से पहले घर वाले निकल रहे हैं। तो यहाँ हम सब ने खा लिया खाना, पापा चले गए और ये सब भी जाने वाले हैं, तो इनको जल्दी से अलविदा करते हैं। और ये आज कह रही है कि आज हम यहीं रुकेंगे दीदी जीजू के साथ। चाची मेरे और दीदी के लिए कुछ बोर्ड से पहनना और दीदी के लिए शर्ट पहनना। जैसा आप सभी को पता है चाची का भी बर्थडे था थोड़े टाइम पहले, तो मम्मी लाई है चाची के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी। और मम्मी धमकी भी दे रही है, कह रही है पहननी भी है, नहीं कि पहननी है धमकी पहले। आज सिर्फ एक लड़की रह गई जिसको कुछ नहीं मिला, मिल गया, मिल गए रे, मिल गए मिल गए। तो सब जा रहे हैं अब यहाँ, सब एक दूसरे से मिलते हुए। मेरे ससुराल वालों को निकले हुए 2 मिनट नहीं हुए, यहाँ सारे कपड़े खोल खोल के देखने लग गया है। और तन्नु खासकर जिसको एक नहीं मिला ना, वो दूसरों के भी देख रही है, नजर लगा रही है। और ये इतने तो पहन ही नहीं, लड़के ने इसने पहन ही ली टी शर्ट, दिखा छोटी तो नहीं है, दिखा इधर इधर। ओ भाई सही, बढ़िया लग रहा है। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं ऊपर, दिव्या के घर वाले भी चले गए अपने अपने घर। पूरा दिन आज हमने बहुत एंजॉय करा, और रात में जब घर वाले आए, जब मेरे ससुराल वाले आए, तब भी हमने बहुत एंजॉय करा। तो दिव्या फाइनली वापस आ गई है अपने ससुराल। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।